हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपको फैंटेसी क्रिकेट फैन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रणजी ट्रॉफी का मैच खेला जाएगा महाराष्ट्र और मुंबई के बीच, उस मैच के बारे में आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे आपको एक अच्छी टीम देने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं जो रणजी ट्रॉफी का 2 मैच है, उसके बाद यहाँ पर एशिया ओडीडी कप का 2 मैच है, तो यहाँ पर 4 मैच है। यहाँ से अब मैं 2 मैच आपको देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो रणजी ट्रॉफी खेला जाएगा महाराष्ट्र और मुंबई के बीच। यहाँ पर महाराष्ट्र का बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उतना अच्छा शुरुआत नहीं किया है पर महाराष्ट्र ने। 3 मैच खेले, 2 ड्रॉ हुआ, 1 हार गया और यहाँ पर पॉइंट टेबल में नंबर 7 पे खड़ा है। और यहाँ पर मुंबई का बात करें तो फ्रेंड्स, लगभग सेमी सिचुएशन है। यहाँ पर 3 मैच खेला गया, उसमें 2 ड्रॉ हुआ और 1 हार गया और पॉइंट टेबल पे नंबर 6 पे खड़ा है। तो यहाँ पर जो प्लेइंग 11 काफ़ी सारे चेंजेस होने वाला है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर लास्ट मिनट में कोई इंजर होगा और कोई न्यूज़ आएगा, शायद मैं उसका वीडियो आपको अपलोड ना कर पाऊँ, इसीलिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। जस्ट आपको टेलीग्राम में सर्च करना है फैंटेसी क्रिकेट फ्रेंड्स, एंड वहाँ से आपको सारी जानकारी, सारी न्यूज़, सारी जो लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जो पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो मुंबई का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, जो ओपन करेगा, यहाँ पर हर वाडकर ओपन करेगा, उसका शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ फ्रेंड्स, एक ही फिलहाल 1 ही 50 आप स्कोर कर पाए, लेकिन मेरे हिसाब से वही ओपन करेगा क्योंकि उतना कोई चॉइस यहाँ पर स्क्वाड में नहीं है ओपनर का, तो मेरे हिसाब से वही ओपन करेगा। उसके बाद यहाँ पर बिस्ता, बिस्ता का अच्छा सीजन अभी तक गया है, बहुत ही अच्छा आप खेल रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर इजलाट, इजलाट जो यहाँ पर स्ट्राइकर बैट्समैन है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, आपको सबको पता है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो असई सरदेसी वो खेलेगा, लास्ट मैच में नहीं खेले थे, उसके जगह पे ये जफर खेला था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जफर नहीं खेलेंगे, उसके उसके जगह पर यहाँ पर असई सरदेसी खेलेंगे। उसके बाद यहाँ पर तारे, तारे जो विकेट कीपर, आपको पता है आदित्य तारे अच्छा प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर जो शिवम देवी जो इस टीम का की प्लेयर है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर फॉर्म में है, को बता दूँ यहाँ पर हाईस्ट विकेट टेकर भी है और यहाँ पर जो हाईस्ट रन गेटर भी है इस टीम के लिए। उसके बाद जो डी कुलकर्णी आएगा यहाँ पर जो कप्तान है, उसके बाद तुषार देशपांडे, उसके बाद दियास, और यहाँ पर देखिए करास कोराठी एंड दुर्मिल मत्कर में दोनों में से कोई एक खेलेगा। लास्ट मैच में तो दुर्मिल मत्कर खेला थे और 30 का पारी भी खेला था दो दो इनिंग्स में, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चांस यहाँ पर दुर्मिल मत्कर का खेलने का है। लेकिन यहाँ पर कर्स कोटर के भी चांस है यहाँ पर, क्योंकि उसको विकेट मिला था जो लास्ट मैच खेला गया था, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस दुर्मिल मख्तर का है। उसके बाद यहाँ पर स्क्वाड देख ले तो यहाँ पर शमसी मुलानी का खेलने का चांस कम है, उसके बाद बद्री आलम, उसका भी खेलने का चांस कम है। लास्ट में जो है जाफर, उसके बदले में यहाँ पर एक्सा यादव सरदेसी खेलेगा, तो मेरे हिसाब से ही प्लेइंग 11 होना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आप आपको दिखा देते हैं महाराष्ट्र का जो प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, वो आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो महाराष्ट्र का प्लेइंग 11 फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो हर्षद कादियोला मेरे हिसाब से खेलेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में सबनील सबनील खेला था, लेकिन सबनील का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लगातार उसको मौका दिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन अच्छा नहीं खेल पाए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हर्षद कादियोला को खेलना चाहिए यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से ही खेलेंगे। उसके बाद यहाँ पर सी जो सी खुरंगा आएगा, वो अच्छा खेल रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पर ऋतुराज आएगा जो वो भी अच्छा फॉर्म में है। उसके बाद जो आरती पाटी जो कैप्टन है, आपको बता दूँ जो यहाँ पर जो इस टीम का जो कप्तान था अंकित बावनी, वो स्क्वाड से बाहर हो गया है और क्योंकि उसका इंडिया ए के सिलेक्शन हो गया है, इसलिए वो चला गया है वहाँ पर, तो जो कप्तान कैप्टनसी का और त्रिपाठी करेगा। उसके बाद यहाँ पर जय पांडे आएगा, लास्ट में खेला था। उसके बाद नौशक शेख, उसके बाद यहाँ पर मोटानी जो यहाँ पर इस टीम का विकेट कीपर है, उसके बाद धमाल, उसके बाद यहाँ पर सेन क्लेचा जो इस टीम के स्ट्राइकर बॉलर है, उसके बाद से बच्चा एंड एस फला, मेरे हिसाब से ही प्लेइंग 11 होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर स्क्वाड भी देख लें, यहाँ पर मुकेश चौधरी नहीं खेलेंगे और पलने का चांस खेलने का कम है, तो मेरे हिसाब से ही प्लेइंग 11 होना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखा देते हैं जो मैंने ड्रीम 11 फ्रेंड जो टीम बनाई है, वो भी आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ड्रीम 11 का टीम, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे विकेट कीपर का ऑप्शन है, आदित्य तारे है, उसके बाद निखिल नायक है, रोहित मोटवानी है एंड नौशाद शेख है। तो यहाँ पर तो निखिल नायक खेलेंगे नहीं, उसको आप बाहर कर दीजिए, तो रह गया यहाँ पर 3। ठीक है, रोहित मोटवानी खेलेगा, नौशाद शेख भी खेलेगा और आदित्य तारे भी खेलेगा, तो मैंने यहाँ पर आदित्य तारे को चूज़ किया। आप चाहे तो यहाँ पर नौशाद शेख को भी चूज़ कर सकते हैं, अच्छा चॉइस है, और रोहित मोटवानी को भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर।
तो मैं यहाँ पर रितु तरीके से जाऊँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 बैट्समैन लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको बता दूँ केदार जादव तो खेलेंगे नहीं। उसके बाद अंकित बाउन भी नहीं खेलेंगे। उसके बाद यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी नहीं खेलेंगे, उसका भी इंडिया के लिए सिलेक्शन हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने 5 बैट्समैन जो लिया है, राहुल त्रिपाठी, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद सिद्धेश लैद एंड यहाँ पर जो ऋतुराज एंड यहाँ पर बिष्टा। तो आप चाहे तो यहाँ पर किसी को बैठा के आपके पास और भी चॉइस है, जैसे सरदेसी का चॉइस है, आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसके बाद मैंने 2 ऑलराउंडर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवम को लिया है और यहाँ पर चिराग को लिया है। आप चाहे तो किसी को बैठा के यहाँ पर सबनील को भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 3 बॉलर लिया है, पर देख सकते हैं समत फला, यहाँ पर जो कुलकर्णी एंड यहाँ पर बच्चा को लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर आप किसी को बैठा के आपके पास और भी चॉइस है, जैसे अनुपम का अच्छा चॉइस है, आप उसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको टीम प्रीव्यू दिखा देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो कप्तान मैं बनाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं जो शिवम को, जो बहुत ही अच्छा खेल रहा है और अच्छा फॉर्म है उसका। और जो वाइस कैप्टन, आपके पास और भी बहुत सारे चॉइस है, जैसे जेबिस्ट अच्छा चॉइस है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस यादव को भी बना सकता हूँ वाइस कैप्टन। तो आपके पास और भी चॉइस है, तो अपना अपना कैप्टन आप बना लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड आपको जो प्ले स्क्वाड टीम वो भी दिखा देते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक जो भी सब्सक्राइब ना किया फ्रेंड्स, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आपको प्ले स्क्वाड टीम भी दिखा देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सेम ही टीम है। देखिए यहाँ पर जो 5 बैट्समैन मैंने लिया है, जेबिस्टा, उसके बाद यहाँ पर राहुल त्रिपाठी देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ऋतुराज, उसके बाद यहाँ पर सिद्धेश लैद एंड सूर्य कुमार यादव। आपके पास और भी चॉइस है, आप चाहे तो यहाँ पर किसी को बैठा के, जैसे यहाँ पर रोहित मोटवानी का चॉइस है, आप यहाँ पर ले सकते हैं उसको। और यहाँ पर मैंने 3 बॉलर्स लगभग सेमी बॉलर यहाँ पर देख लीजिए, कुलकर्णी, उसके बाद यहाँ पर समत फला एंड यहाँ पर बच्चा। आप चाहे तो किसी को बैठा के यहाँ पर आपके पास चॉइस है, जैसे यहाँ पर दिखा देते फ्रेंड्स आपको, यहाँ पर डियास का अच्छा चॉइस है, आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद सेम 2 ऑलराउंडर देख सकते हैं, चिराग और शिवम, और सेम विकेट कीपर यहाँ पर आदित्य तारे। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो स्टार प्लेयर है, मैं बनाऊँगा यहाँ पर शिवम डीबी को, जो बहुत ही अच्छा फॉर्म में है। और जो कप्तान है मैं बनाऊँगा उसको, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम कप्तान सिद्धेश लैद को। तो यहाँ पर आपको जो टीम प्रीव्यू दिखा देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए। फ्रेंड्स आपके पास और भी चॉइस है कप्तान बनाने के लिए यहाँ पर, जैसे राहुल तिवारी का अच्छा चॉइस है, उसको बना सकते हैं। उसके बाद आदित्य तारे का चॉइस है, तो अपना अपना कैप्टन बना लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और अब तक जो भी सब्सक्राइब ना किया फ्रेंड्स, और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो जो भी डिटेल्स था, जो भी जानकारी था, मैंने आपको दे दिया। तो फ्रेंड्स देखते रहे मेरा वीडियो, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।